जिथे जिथे भी पंजाब दे विच नुकसान होया कि असीं उहनां दे नाल आ और कुदरती आफतां वास्ते जिहड़ा फंड हुंदा है उहदे च कदे कोई कमी नहीं हुंदी। एवें कहण नूं कही जाणे खजाने खाली, पर जिहड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट दा हुंदा ना उहदे विच बहुत सारा फंड हुंदा। सो मैं अज हंगामी मीटिंग सवेरे अफसरां दी बुलाई, मैं तीन चार गल्लां विच क्लीयर करनी चाहुंदा तुहानूं तुहाडे जरिए सारे पंजाब नूं। पहली गल इह कि पहलां इह कहिंदे हुंदे सीगे 26-33% दे इन्ने पैसे, 33-75% दे इन्ने पैसे, 75-100% दे इन्ने पैसे दिंदे है नहीं सी। लोगों को 54-54 रुपये के चैक भी मिले हुए हैं, जख्मों पर लून छिड़कण वाली गल है। असी अज 25% इजाफा करता, वादा करता कि 75-100% जी आ फसल पकड़े जी ये आऊगी जी, 75-100% नुकसान हो गया, तूड़ी भी मसा बनूगी, तूड़ी की निबानी। सो असी 15,000 रुपया पर एकड़, पहले 12,000 से 25% असी बताता, 15,000 रुपया पर एकड़ गुरदारी हफ्ते के मेरे को आजगी, 10 दिनों के किसानों के खाते पैसे आ जाएंगे। क्योंकि मलम उदों ही चंगी लगती है जो जख्म, जो जख्म ही भरया गया उस बाद मलम की करनी है। सो जिड़े किसानों फसलों मारियां गई मैं उन्होंने कहना चाहना हौसला रखो, सरकार थोड़े नाल खड़ूगी। तो 2-3 फैसले होर हुए हैं, एक ये कि जदों सारे प्रशासन को असी सख्त हदायतां दित्तियां ने, जदों गुरदौरी होगी पटवारी आऊगा जां तहसीलदार आऊगा जां एसडीएम आऊगा, वो गुरदौरी जिहड़ी है 2 दिन पहलां पिंड च अनाउंसमेंट की जाऊगी, 1 दिन पहलां कि कल नूं गुरदौरी होगी। वो गुरदौरी जिहड़ा अफसर गुरदौरी करन जाऊगा वो किसी खास बंदे दे घरें बैठ के गुरदौरी नहीं करूगा, कि वो सिर्फ उन्हां दी लिख दूगा ते बाकियां दे सारे पिंड दा जिहड़ा वो कोई नुकसान नहीं कहिंदे, इधर ही नुकसान होया, हालांकि उहदा नुकसान होया भी नहीं हुंदा, वो फिर भी नाले 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 फसल लै जांदा, नाले नुकसान लै जांदा। सारे पिंड दे सामने गुरदौरी होगी, गुरदौरी पढ़ के सुनाई जाऊगी कि इन्ने इस बंदे दे इन्ने परसेंट लिखा गया, वो तो पिंड वाले दे साइन होणगे, उस गुरदौरी नूं असीं गुरदौरी मन के 3 दिनों च पैसे पा देंगे। नंबर 2, आम तौर पर हुंदा मैं पंजे उंगलां इक्को सार नहीं हुंदियां, सारे इक्को जिहे नहीं हुंदे, पर जमीन मैं ठेके ते लै ली, मैं उहते खेती कर रहा, आ गड़े पै गए तां सरकार की करदी है, चक के जे फार्म चक के रजिस्ट्री पैसे पाउंदी है, पैसे उन्हों मिल जाते हैं जिन्हें ठेका भी लिया होंगे मालक जमीन का। पर असी ये मेक श्योर करा अफसर थ्रू क्या पिंड के लोगों तो सू सहायता चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, पिंड को पता होंगे कि पैसे उस बंदे मिलने मुआवजे के जोड़ा बंदा उस वे खेती कर रहा है, जोड़ा उस वे उस फसल के उत्ते खेती कर रहा है मिलने, ये भी असी मेक श्योर करा। तो नंबर 3 असी स्पैशल गुरदौरी का ऑर्डर दिता है, क्योंकि स्पैशल गुरदौरी के मझा वाला कोई बाड़ा ढह गया, किसी का कच्चा कोठा ढह गया, किसी की सरों बीजी हुई सी, किसी की मूंगी बीजी हुई सी, किसी की आलू सी, किसी भी किस्म का फसल का नुकसान होया, पंजाब सरकार उन्हें नाल खड़ूगी। 33-75% ये पहले 5400 कहते अभी 6750 किया, पैसे आने वाले 10-12 दिनों ही मिलने, क्योंकि असी किसान का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो असी हर वक्त अन्नदाते, अन्नदाता खुश होगा तो साडा जिहड़ा पंजाब खुश रहेगा, ठीक है ना। सो असी जे कुदरती आफत आ गई तो आ गई, कोई गल नहीं, परमात्मा भली करेगा, अगली फसल उस तो वधिया करावांगे। आने वाले दिनों के फसलों के नवे नवे बीज असी तैयार किए ने, वह भी असी रिकमेंड साथों खरीदो PAU तो 33% सबसिडी है। इस तो अलावा स्प्रेयां करन वेले भी साढ़े नाल पुछो, असी दसांगे तुहानू किहड़ियां स्प्रेयां करनियां ने, ताकि उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध चाकरी जो गुरु साहब ने कहा सी उहनूं आपां वाक नूं सच्चा कर सकीए। सो ये फैसले जिहड़े पंजाब सरकार जी बिल्कुल बिल्कुल, वह कहिंदे जी साढ़े कोल दूजे दिन ही आ गया कोई साडियां फसलां देखण आ गया, साढ़े सूए ते खड़ के बोलदा है, गड्डी ते बैठ के बोलदा है। सो मैं कोई इदां दा नहीं हैगा कि मैं कोई सिर्फ हवाई सर्वेखण करके चला जावां, मैनूं पता मैं खुद साडा खेत है जिहड़ा उहदा नाम है ढाब, ढाब दा मतलब हुंदा जिते पाणी इकट्ठा हुंदा, साडी साडा जिहड़ा जमीन सी उहदे च वी पाणी आउंदा, बेमौसमी बरसात करके फसल मरती सी, साडे घरें 2-3 दिन रोटी नहीं पकती सी, हालांकि मेरे पिता जी सरकारी मास्टर सी, महीने बाद उधरों आउंदी सी, पर यही गल असी करन लगे हां कि किसान नूं कल्ली फसल ते ना छड्डीए, उहदे पुत्त नूं उहदी धी नूं किते ना किते काम ते लाईए। अक्सर किसानां वल्लों कहा जांदा गुरदौरियां हर सरकार करदी सी पहलां वी, पर जिहड़ा मुआवजा है उह जिहड़ा कि अकाउंटां विच ऐलानां विच रह जांदा, कहिंदे भगवंत मान सरकार तों बड़ी उम्मीद है इस बारे 15 दिनां बाद गल करांगे।